हेलो एंड वेलकम गाइस, स्वागत है आपका फैंटासी डिसीजन चैलेंजर में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे श्रीराम महाराजा ट्रॉफी के SCA T20 की, जो कि मैच होगा यहां पर मैसूर वॉरियर्स वर्सेस हुबली टाइगर्स के बीच में। तो चलिए दोनों ही टीम के प्लेयर पर एक बार नजर कर लेते हैं कि कौन से प्लेयर को हम लोग ऐसे स्मॉल लीग में लेके जा सकते हैं, कौन से प्लेयर को हम लोग ऐसे ग्रैंड लीग में पिक कर सकते हैं, प्लस कौन सा प्लेयर हमारे लिए कैप्टन और वाइस कैप्टनशिप के लिए बेस्ट चॉइस रहेगा, उसके बारे में बात कर लेंगे। पिच रिपोर्ट देख लेते एक बार, लास्ट में हमारी फैंटासी टीम देख लेते एक बार, कौन से प्लेयर को हमें लेके जाना है, कौन से प्लेयर को हम लोग ऐसे अवॉइड करके जा सकते हैं, सारी डिटेल्स इसी वीडियो में कवर कर लेंगे। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो बात करें इस मैच की, इससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि क्या आपने अभी तक अपने यूट्यूब चैनल को लाइक नहीं किया, इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, उस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सबसे पहले यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ये पूरी टूर्नामेंट इसी यूट्यूब चैनल पर कवर की जाएंगी। इसके साथ साथ आपको यहाँ से ECS T10 के वीडियोज़ मिल जाएंगे, इसके साथ साथ आपको यहाँ से ओडिशा वुमेंस T20 के वीडियोज़ मिल जाएंगे, इसके साथ साथ MCA T20 भी चल रही है और उसके मैचेस के भी वीडियो आपको इसी यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगे। तो यूट्यूब चैनल को सबसे पहले आपको सब्सक्राइब कर लेना है, साथ ही में टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएगा, क्योंकि फाइनल अपडेट और फाइनल टीम आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। टेलीग्राम से जुड़ने के लिए मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी लिंक अटैच किया हुआ है, इनके से अगर लिंक वर्क नहीं करता तो टेलीग्राम में जाके आपको सर्च करना है फैंटासी डिसीजन चैलेंजर, या फिर आप सर्च करोगे @FDC27 और आपको सीधा हमारा चैनल मिल जाएगा, सिंपली आपको उसे ज्वाइन कर लेना है, क्योंकि फाइनल अपडेट और फाइनल टीम आपको वहीं पर मिलने वाली है। बात करें इस मैच की, तो यह मैच दोपहर में 3 बजे कांता दत्ता नरसिम्हा राजा वाडेयर ग्राउंड मैसूर में खेला जाएगा। पिच रिपोर्ट की बात की जाए तो ऐसे न्यूट्रल और बैलेंस पिच रह रही है, ज़्यादा स्कोर बन नहीं रहा है, क्योंकि कभी कभी बारिश की खलेल हो जाती है, उसके कारण मैच कभी कभी शॉर्ट मैच हो जाती है, कुछ ओस की मैचेस होती है वगैरह। बाकी एवरेज की बात करें तो 140 के आसपास स्कोर बनता हुआ नजर आ सकता है, इवन मैच पूरी होती है तो यहाँ से कभी कभी बड़ा स्कोर भी हो सकता है, 170-180 भी रन बन सकते हैं वैसे, बाकी एवरेज स्कोर 140 के आसपास मान के चल सकते हो। चेंजिंग रिकॉर्ड अभी तक इक्वली आंकड़े, तो ये कुछ ज़्यादा मायने रखते नहीं, 6 मैच में से 3 बार पहले बैटिंग करने वाली टीम ने जीती, ऐसे 3 बार चेंजिंग करने वाली टीम ने जीती। तो सबसे पहले बात करते हैं ऐसे मैसूर वॉरियर्स की, तो 2 मैच खेली है, दोनों ही मैच ऐसे जीत के आ रही है। निहार उल्लाह की बात करें तो ये भाई साहब काफ़ी तगड़ा मारते हैं, इनको हमने इससे पहले भी कई सारी टूर्नामेंट्स के अंदर देखा हुआ है, कर्नाटक की लास्ट सीजन के अंदर भी ये भाई साहब ने बहुत ही तगड़ा परफॉर्मेंस दिया था, 5 मैच के अंदर 59 रन ही थे, लेकिन रिसेंटली 44 रन किए थे लास्ट मैच के अंदर, और वैसे भी आपको हर एक मैच के अंदर काफ़ी तगड़ा परफॉर्मेंस करते हुए नजर आ सकते हैं। इनको आप डिफरेंस लेवल में बहुत ज़्यादा रिस्की खेलो तो इनको कैप्टन या वाइस कैप्टन करके जा सकते हो, बाकी यहाँ से राइट हैंडेड बैटिंग के साथ साथ विकेट कीपिंग करवाते हुए नजर आएंगे और विकेट कीपिंग से भी अच्छे खासे पॉइंट्स दे सकते हैं, उस लेवल का प्लेयर है जो कि यहाँ से सेंचुरी वगैरह भी मार सकता है और इनको मैंने देखा हुआ भी है, तो ये इनके ऊपर आप पूरा भरोसा कर सकते हो। करुण नायर, तो इनके बारे में मैंने लास्ट वीडियो के अंदर भी बताया था कि इंडिया की तरफ से अगर 300 रन किसी ने टेस्ट में लगाए तो वीरेंद्र सहवाग और यहाँ से करुण नायर, दो ही नाम है जो जिन्होंने इंडिया की तरफ से टेस्ट में 300 रन का स्कोर किया हुआ है। इसके बाद इन्होंने वनडे में भी अपना हाथ आजमाया था और इसके साथ साथ पंजाब किंग्स की तरफ से IPL वगैरह भी खेले हुए, तो प्लेयर्स काफ़ी अच्छा है, कभी भी बड़ा परफॉर्मेंस दे सकता है, इनके ऊपर आप भरोसा कर सकते हो, इनको भी आप रिस्क ले सकते हो कैप्टन वाइस कैप्टनशिप का, जो कि ज़्यादातर पब्लिक इनको कैप्टन या वाइस कैप्टन करके आ भी सकती है। नागा भरत ने अभी तक इतना कोई खास परफॉर्मेंस दिया नहीं, बाकी वन डाउन खेलता है तो रिस्क लेना चाहो तो ले सकते हो, बाकी स्मॉल लीग के लिए मैं प्रीफर नहीं करूँगा। पवन देश पांडे वेरी इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे, इवन ये बंदा भी आपके लिए कैप्टन वाइस कैप्टनशिप के लिए बढ़िया चॉइस रहेगा। देखो इन्होंने अभी तक ओवर्स नहीं करवाए लेकिन कभी भी ऐसे ओवर्स डालते हुए ऐसे 1-2 विकेट भी चटका सकता है, ये भी ऐसे काफ़ी अनुभवी प्लेयर्स है, इवन ये भी IPL का हिस्सा रह चुके हैं, दिल्ली डेयर डेविल्स की तरफ से ये भी खेल चुके हैं, करीबन 34 के एवरेज से T20 के अंदर 26 मैच के अंदर 517 रन किए हुए और 4 विकेट निकाले, ज़्यादातर गेंदबाजी करवाते हैं लेकिन जब भी गेंदबाजी करवाएंगे तो यहाँ से 1-2 विकेट जरूर निकालेंगे। श्रेयस गोपाल वेरी इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे, इवन कैप्टन और वाइस कैप्टन ज़्यादातर जनता है इनको करके आ सकते हैं, ज़्यादातर सिलेक्शन में कैप्टन आपको श्रेयस गोपाल ही मिलेंगे और हम भी यहाँ से इनको ही कैप्टन करके जा सकते हो। पहले मैच के अंदर 62 रन की पारी खेली थी, ऐसे बैटिंग भी काफ़ी तगड़ी करवा लेते हैं और 4 ओवर्स पूरी करेंगे, विकेट वगैरह चटका लेंगे। IPL में भी काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिया था इस बार और एक बार फिर से भी यहाँ से इनके ऊपर आप भरोसा कर सकते हो। शिवराज एस ने पिछली दोनों मैच के अंदर 12-19 जैसे ठीक ठाक स्कोर किया हुआ है, तो इनको आप लोग ऐसे डिफरेंस में ट्राई करना चाहो तो कर सकते हो, इनको लेके जा सकते हो, लेके जाना थोड़ा सा रिस्की लगेगा लेकिन इनके ऊपर भरोसा कर सकते हैं। बाकी शुभम हेज हमारे लिए वेरी इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे, ऐसे विद्याधर पाटिल पिछली दोनों ही मैच के अंदर विकेट निकालते और इनको लेके जाएंगे, प्रतीक जैन को जरूर ट्राई करेगा, भले इनको लास्ट मैच के अंदर विकेट ना मिले लेकिन प्लेयर्स काफ़ी अच्छा है, कभी भी ऐसे बड़ा परफॉर्मेंस दे सकता है, जहाँ पर पहली मैच के अंदर उन्होंने 2 विकेट निकाली थी, आगे भी आपको 2-3-4 विकेट निकालता हुआ नजर आ सकता है, तो प्रतीक जैन को बिल्कुल मत छोड़िएगा। बाकी लोकचंद अपन्ना की बात करो तो वो तो ओवर्स करवा ही नहीं दोनों मैच के अंदर, बाकी 5 मैच के अंदर 3 ओवर्स, तो अपील के लिए स्मॉल लीग के अंदर प्रीफर करता नहीं मैं। बाकी
आदित्य गोपाल को डिफरेंशियल में मैं ट्राई करना चाहूँ तो कर सकते हो, स्मॉल लीग के लिए ये भी काफ़ी रिस्की रहने वाले हैं। स्टार्टिंग ओवर्स में यहाँ से प्रतीक जैन और यहाँ से वी पाटिल स्टार्ट करेंगे। डेथ ओवर मैंने मेंशन नहीं की क्योंकि डेथ ओवर्स हुई ही नहीं है, तो इसके लिए यहाँ से मेंशन नहीं की हुआ है, यानी कि आई थिंक शायद 7 या 8 ओवर्स की मैच हुई थी वहाँ पर। बाकी बात करें बेंच की, बेंच से अगर कोई भी खेलेगा तो इनके स्टैट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेंगे, तो जल्दी से जाके आपको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है क्योंकि अपडेट वगैरह जो भी मिलेगी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलने वाली है। बात करें यहाँ से हुबली टाइगर्स की, 2 मैच खेली जहाँ से 1 जीती है 1 हारी है। यहाँ से लवनीत सिसोदिया और यहाँ से शिव कुमार बीयू दोनों ओपनिंग करवाए। सिसोदिया की बात करूँ तो स्टेट लेवल की मैचेस वगैरह खेलते हैं वहाँ पर, 44 की एवरेज से 6 मैच के अंदर 220 रन है, काफ़ी अच्छा प्लेयर्स है, इनको छोड़ना है थोड़ा सा रिस्की रहेगा, तो एज अ प्लेयर हम लोग जरूर लेके जाएंगे। हालांकि पिछले दोनों मैच के अंदर इतना कुछ खास किया नहीं है लेकिन इनके ऊपर पूरा भरोसा कर सकते हो। शिव कुमार बीयू वेरी इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे, इवन लास्ट मैच के अंदर 3 ओवर्स की गेंदबाजी भी की जहाँ पर 1 विकेट भी निकाला, बैटिंग से ओवरऑल 22 की एवरेज से 564 रन किए हुए 36 मैच के अंदर, तो पूरा भरोसा कर सकते हो, एज अ प्लेयर इनको लेके जा सकते हो, इवन कैप्टन वाइस कैप्टनशिप का रिस्क ले सकते हो। लियान खान जो कि एक अच्छे प्लेयर्स है, रिसेंटली उनका फॉर्म काफ़ी अच्छा चल रहा है, 5 मैच के अंदर 50 की एवरेज से 150 रन किए हुए हैं और रिसेंटली काफ़ी अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं। स्टेट लेवल की मैचेस वगैरह खेलते हैं, पहली मैच के अंदर 34 रन की एक अच्छी पारी खेली, लास्ट मैच के अंदर सिर्फ 6 रन भी बना पाए लेकिन इनके ऊपर आप भरोसा कर सकते हो। तुषार सिंह जो कि बैटिंग से तो अच्छा किया ही है, कभी भी ऐसे ओवर्स भी डाल सकते हैं, विकेट भी चटका सकते हैं, 305 मैच के अंदर 210 विकेट है, करीबन 49 की एवरेज से 10,995 रन है, एज अ प्लेयर हमारे लिए वेरी इंपॉर्टेंट पिक बनेगा, इनको हम छोड़ के नहीं जा सकते। और सही नंबर पर ऐसे 4th नंबर पर बैटिंग के लिए आएगा जो कि बैटिंग के लिए काफ़ी अच्छा नंबर माना जाता है, तो इनके लिए हम लोग जरूर ट्राई करेंगे। शिशिर भवानी को एज ए डिफरेंशियल में ट्राई करोगे, बैटिंग ऑर्डर थोड़ा सा नीचे हो जाएगा, अगर टॉप ऑर्डर खेलेगा तो इनका बैटिंग आने का चांसेस थोड़ा सा कम रहेगा, तो इनको आप लोग एज ए डिफरेंशियल में ट्राई करोगे। सागर सोलंकी को लेने का कोई मतलब बनता नहीं है, काफ़ी नीचे बैटिंग करते हैं। अभिमन्यु मिथुन वेरी इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे, लास्ट वीडियो के अंदर भी मैंने बताया था कि इस बंदे को आप कैप्टन वाइस कैप्टन कर सकते हो और अभी भी बोल रहा हूँ कि आप लोग इनको कैप्टन वाइस कैप्टन कर सकते हो। 75 मैच खेले जहाँ पर 69 इंटरनेशनल में निकाले हुए हैं, एज अ प्लेयर वेरी इंपॉर्टेंट पिक बनेंगे। अभिमन्यु मिथुन टीम इंडिया की तरफ से बहुत बार अच्छा परफॉर्मेंस दे चुके हैं, तो इनके ऊपर पूरा भरोसा करेंगे। लास्ट मैच के अंदर विकेट तो नहीं मिले लेकिन कभी भी विकेट भी निकाल सकते हैं, इवन बैटिंग से 51 किए थे, मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो के अंदर भी कि भाई साहब बैटिंग भी तगड़ी करवा लेते हैं। सौरभ श्रीवास्तव ने पिछले मैच के अंदर 2 विकेट निकाली, तो एक बार फिर से आप लोग ट्राई करना चाहो तो कर सकते हो। कौशिक भी 25 मैच के अंदर 33 विकेट है, लास्ट मैच के अंदर 1 विकेट निकाला, इनके ऊपर भरोसा करना चाहो तो इनको लेके जा सकते हो। बाकी ऐसे ए डोड्डा मणि की बात करो, 36 मैच के अंदर 56 विकेट है, 56 विकेट, और यहाँ से लास्ट मैच की बात की जाए तो लास्ट मैच के अंदर उनको विकेट नहीं मिले, इससे पहले भी उनको विकेट नहीं मिले, तो अभी तक विकेट्स मिले नहीं, तो इनको थोड़ा सा डिफरेंशियल में ट्राई करोगे, स्मॉल लीग लेके जाना काफ़ी रिस्की रहेगा। जहूर फारी की जो कि पिछली 2 मैच के परफॉर्मेंस की बात करो तो दोनों मैच के अंदर विकेट निकालते आ रहे, तो इनके ऊपर भरोसा कर सकते हो। इससे पहले भी उन्होंने कर्नाटक वाली मैचेस के अंदर आप देख सकते हो कि 2 बार यहाँ से 2 विकेट निकाले थे, तो इनको आप ट्राई कर सकते हो एज अ प्लेयर। बेंच की बात करूँ, इससे पहले यहाँ से स्टार्टिंग ओवर्स में अभिमन्यु मिथुन वी कौशिक का आए थे और डेथ ओवर्स इनका भी नहीं आया, इनका भी यहाँ से 14 या 15 ओवर्स का ही मैच हुआ था, तो इनका भी डेथ ओवर्स आया नहीं, तो इसके लिए मैंने मेंशन किया नहीं। बेंच की बात की जाए तो बेंच से अगर कोई भी खेलेगा तो इनके स्टैट्स आपको टेलीग्राम में मिलेंगे, तो जल्दी से जाके आपको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है। जी प्रवीण यहाँ पे पहली मैच खेले थे जहाँ पर उन्होंने ओपनिंग किया था और यहाँ से 3 ओवर्स की गेंदबाजी भी करवाई थी, लेकिन यहाँ पर अभी अनअवेलेबल है और वो वहाँ पर ड्रीम इलेवन में ही मेंशन किया हुआ है, तो आप लोग वहाँ पर चेक कर सकते हो। तो ये तो बंदा खेलेगा नहीं, बाकी और कोई भी खेलेंगे तो इनके स्टेट्स आपको टेलीग्राम में मिलेंगे, तो जल्दी से जाके आप देख लेते हैं हमारी फैंटेसी टीम कौन सी रह सकती है, कौन से प्लेयर को लेके जाना है, कौन से प्लेयर को हम लोग ऐसे अवॉइड करके जा सकते हैं। तो बात करें यहाँ पर विकेट कीपिंग सेक्शन की, मैं 2 विकेट कीपर के साथ जा रहा हूँ जो कि यहाँ से सिसोदिया को लेना थोड़ा सा रिस्की रहेगा, लेकिन मुझे थोड़ा सा भरोसा इनके ऊपर है कि ये बड़ा स्कोर कर सकते हैं आज के दिन में, इवन यहाँ से स्कोर नहीं करेंगे तो यहाँ से विकेट कीपिंग से अच्छे खासे पॉइंट्स दे सकते हैं, तो इनको मैं लेके जा रहा हूँ। बाकी बैटिंग सेक्शन की बात की जाए तो ऐसे करुण नायन, लियान खान और यहाँ से मैं लेके जाऊँगा बीयू शिवा कुमार को लेके जाऊँगा। बाकी ऑप्शंस की बात करें तो यहाँ से भवानी को आप ट्राई कर सकते हो और शिवराज को ट्राई कर सकते हो। और ऑलराउंडर सेक्शन में यहाँ से एस गोपाल रहेंगे, इनके साथ यहाँ से देश पांडे और यहाँ से एज को मैंने लिया हुआ है, यहाँ से आप तरुण सिंह टी सिंह को भी आप ट्राई कर सकते हो, ये भी यहाँ से अच्छा परफॉर्मेंस दे सकता है कभी भी। बॉलिंग सेक्शन में यहाँ से वी कौशिक रहेंगे, पी जैन रहेंगे और यहाँ से अभिमन्यु मिथुन रहने वाले हैं। ऑप्शंस की बात करो तो जेड फारूकी को लेके जा सकते हो, ऐसे डोड्डा मणि के ऊपर रिस्क ले सकते हो। बाकी ऑप्शन यहाँ से वी पाटिल को लेकर जा सकते हो। अभी के लिए टीम कुछ इस तरह से रह सकती है, कैप्टन के तौर पर मैंने एक बहुत बड़ा रिस्क लिया है और कैप्टन के तौर पर अभी के लिए अभिमन्यु मिथुन कैप्टन रहेंगे और यहाँ से वाइस कैप्टन श्रेयस गोपाल को किया हुआ है। ज्यादातर पब्लिक यहां से हेज को कैप्टन वाइस कैप्टन करके आ रही है, तो आप भी चाहो तो इनको कैप्टन या वाइस कैप्टन करके जा सकते हो। और
बाकी एक देश पांडे भी अच्छा चॉइस है, इनके ऊपर भरोसा कर सकते हो। अभी के लिए टीम कुछ इस तरह से रहेगी, याद रहेगी डेमो टीम है। फाइनल टीम आपको टेलीग्राम में मिलेगी फाइनल लाइनअप के बाद, तो टेलीग्राम से जुड़ना बिल्कुल मत भूलिएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक अटैच किया हुआ है टेलीग्राम का, तो टेलीग्राम से लिंक के द्वारा आप जाके ज्वाइन हो सकते हो। इनकेस अगर लिंक वर्क नहीं करता तो टेलीग्राम में जाके आपको सर्च करना है फैंटासी डिस्टेंस चैलेंजर, या फिर आपको सर्च करना है @FDC27 और आपको सीधा हमारा चैनल मिल जाएगा। सिंपली आपको उसे ज्वाइन कर लेना है, क्योंकि फाइनल अपडेट और फाइनल टीम आपको वहीं पर मिल जाएगी। तो यहाँ अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को आपको लाइक और शेयर कर देना है, साथ ही में यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि यहाँ से आगे आने वाले और अच्छे मैचेस के वीडियो आपको इसी यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगे। तो मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में एक नई सरप्राइज वीडियो के साथ, तब तक आप पूरा वीडियो देखते रहो, अच्छा एनालिसिस करते रहो, अच्छी टीम बनाते रहो, अच्छी विनिंग करते रहो। तब तक के लिए बाय, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।